Hey guys, welcome back to my channel. This is your host Blogger in the City. और guys, आज बहुत दिन से ये वाला ब्लॉग हम करना चाह रहे थे, बहुत 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 दिन से, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस ब्लॉग को करने के लिए. और अभी हम कहाँ पे बैठे हुए हैं वो बहुत लोग समझ रहे होंगे, और जो नहीं समझ पा रहे उनको बता देते हैं कि अभी हम मनाली चौक पे बैठे हैं सैंडिस के गेट के सामने जस्ट, और वेट कर रहे हैं. एक लड़का आने वाला है मेरे साथ कोलैब करने, आयुष है, वो भी ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है, तो वो कोलैब कर रहा था, तो वो कोलैब करने के लिए आने वाला है. और ब्लॉग क्या है, तो व्लॉग है हम लोगों का सैंडिस का फुल टूर. जब से सैंडिस में वो पेड सिस्टम अप्लाई हुआ है तब से हम एक बार भी सैंडिस कंपाउंड नहीं आए, और हम सुने कि यहाँ पे बहुत सारा अच्छा अच्छा फीचर्स अनलॉक हुआ है, लाइक स्विमिंग पूल एंड ऑल सब अनलॉक हुआ है. और सैंडिस का भी बहुत सारे लोग टूर किए हैं, तो हम भी सोच रहे हैं टूर करने का. तो चलते हैं, एक सिंपल सा टूर आपको कराते हैं और हम भी करते हैं. और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एंड तक देखना, और लाइक शेयर तो आप लोग कर ही देते हो. तो गाइज, वो आ चुका है आयुष, यही है, इसने अपना नया चैनल स्टार्ट किया है, तो इसने बोला था कोलैब करने के लिए. तो आयुष कोलैब करने आ चुके हैं हम लोग, और अभी सैंडिस का छोटा सा टूर वीडियो करते हैं. छोटा सा नहीं, जितने देर का होता है उतने देर का टूर वीडियो करते हैं. यूनिक टूर वीडियो टाइप ऑफ यूनिक टूर वीडियो करते हैं. और अभी हम एंट्री किए हैं हम लोग ये मनाली वाले गेट में. तो सैंडिस में अंदर आने का सीधा 5 गेट है जो एक्सेसिबल है, अभी जो चालू है 5 गेट है. एक मनाली वाला, चिन्मय वाला, तिलका मांझी वाला, उधर V2 वाला, V-Mart या V2 जो भी है, और उधर वैभव वाला. तो इस वाले गेट से हम लोग एंट्री किए हैं. 5 गेट है, हर तरफ से आप लोग एंट्री कर सकते हैं सैंडिस में. तो गाइज, हम लोग अभी सैंडिस के अंदर ही घूम रहे हैं, और ये अभी हम लोग स्केटिंग वाले साइड जा रहे हैं जहाँ पे स्केटिंग सिखाया जाता है. अगर किन्हीं को स्केटिंग का आइडिया होगा तो यहाँ पे आके वो सीख सकते हैं. फ्री में भी आके कर सकते हैं, यदि आता हो तो. फ्री में भी आके कर सकते हैं, और स्केटिंग यहाँ पे सिखाया भी जाता है, इवन क्लासेस भी होता है ना. यहाँ पे इवन क्लासेस भी होता है. ये हमारा स्केटिंग ग्राउंड कहिए या स्केटिंग पिट कहिए, जो भी कह सकते हैं इसको. पिट तो नहीं, एक्चुअली स्केटिंग एरिया कह सकते हैं. तो ये है हमारा स्केटिंग एरिया. साइकिलिंग भी होती है यहाँ पे, जाता है, और आप लोग अपना आके कर भी सकते हैं. तो ये है हमारा सैंडिस का जो आपको सबसे पहला दिखा रहे हैं स्केटिंग एरिया. पूरा जंगल वाला रास्ता है जो बहुत अच्छा पेवमेंट बन चुका है, बहुत खूबसूरत. थोड़ी देर में आपको सारे एरिया का सिनेमैटिक्स दिखाएंगे. और यहाँ पे आंटी लोग बैठ के अपना मीटिंग एंड भजन कीर्तन कर रही हैं, बहुत सारी आंटी वहाँ पे. शाम के टाइम में बहुत अच्छा हैंड आउट कर सकते हैं, बहुत. अभी तो धूप है पूरा, और हम लोग को ये फ्री टाइम मिला क्योंकि अभी भीड़ उतना नहीं रहता है, तो अच्छे से वीडियो कर सकते हैं. और यहाँ पे आके आप लोग हैंड आउट कर सकते हैं आराम से, रात में आके बैठ सकते हैं शाम के टाइम में भी, और रात में आपको पूरा लाइटिंग नॉल हो गया, तो आप लोग आके अच्छे से इन्जॉय कर सकते हैं. और इस साइड बहुत सूदिंग वेदर रहता है, इधर दिन में भी जाएंगे तो बहुत सूदिंग वेदर रहता है क्योंकि पूरा ट्रीज है इधर. अभी चलते इधर भी आपको दिखाते हैं, और उधर नया भी कैसे कोई है एंड इसके एरिया खुद आगे सब उधर है. तो अभी तो हम ये देख रहे हैं, फिर से तो देखे थे बना हुआ, बट ये जो अभी फेंसिंग किया है पूरा बांस का, तो ये अभी हम हाल फिलहाल में अभी आए तो देख रहे हैं, लगता है हाल फिलहाल में किया होगा. तो चलते हैं उस साइड, इस एरिया को एक्सप्लोर करते करते. तो गाइज, अभी हम लोग आ चुके हैं भीड़ वाले साइड जिधर आपका कैफ़े है, कैफेटेरिया है, और ओपन थिएटर है, और इधर ही स्विमिंग पूल है. तो आप लोग एक्साइटेड होंगे स्विमिंग पूल के बारे में, बहुत लोग सुना होगा स्विमिंग पूल खुला है सैंडिस में. तो ये वाले ब्लॉग में तो नहीं, बट अगर इस वाले ब्लॉग में आई गेस 1000 व्यूज़ आ जाता है, 1000 सही रहेगा अप्रोप्रिएट, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इतना है तो मेरा भी आ जाना चाहिए. अगर 1000 व्यूज़ आ जाता है इस वाले ब्लॉग में तो जल्दी ही जाके हम स्विमिंग पूल का ब्लॉग करेंगे. और पूरा कवर किया हुआ है स्विमिंग पूल, अभी वहाँ पे चलते हैं तो आपको दिखाते हैं. अभी हमको दिख रहा है, आप लोग पीछे देख सकते हैं पूरा स्विमिंग पूल का वो लगाया हुआ है. तो गाइज, आ चुके हैं हम लोग स्विमिंग पूल वाले साइड में, और यहाँ पे ये पूरा पूल का लोकेशन. आइए थोड़ा सा अंदर दिखा दो पूल के साइड. तो इधर है पूरा पूल, और अभी बात करते हैं यहाँ पे. तो गाइज, यहाँ पे का कॉस्ट हम लोग पूछते हैं, वहाँ गार्ड अंकल थे तो उनसे पूछे हैं, तो उन्होंने बताया कि आपका रजिस्ट्रेशन अगर कराते हैं 2000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, और पर मंथ का 1000 फीस है, तो वो आप लोग को 3000 में पूरा महीने के लिए हो जाएगा 1 घंटा. और फिर आपका अगर वीकली आप कराना चाहते हो तो वीक का आपको बस 1000 रुपये देना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा. भाई यूट्यूब चैनल ब्लॉगर इन द सिटी है, और अगर आप लोग 1000 रुपये दोगे तो आपको सिर्फ वीकली का है, एक हफ्ता 1 घंटा, जिसमें सब में 1 घंटा टाइमिंग है,
कर सकते हो, मतलब उसमें रजिस्ट्रेशन आपको बस नहीं देना पड़ेगा। तो इस वीडियो पे अगर 1K व्यूज आएगा गाइस तो हम अपना 1000 रुपया बर्बाद करके यहाँ आने का ट्राई करेंगे। वैसे यहाँ का पूल बहुत बड़ा है क्योंकि यहाँ सैंडिस, वैसे आप जानते हैं ग्राउंड है, प्रॉपर क्रिकेट ग्राउंड सब कुछ है यहाँ पे, तो ये स्पोर्ट्स के लिए है। और यहाँ पे रेसिंग वाला आपका स्विमिंग पूल है, मतलब अगर इन फ्यूचर कभी बिहार में भागलपुर में स्विमिंग का कोई इवेंट होता है, जैसे होता है एथलेटिक्स एंड ऑल का होता है, क्रिकेट का होता है, अगर वैसा कुछ होता है तो ये जो स्विमिंग पूल है वो यूज़ आएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा रेसिंग वाला लाइन बना हुआ है, ट्रैक बना हुआ है, तो जो स्विमर्स होते हैं वो लोग समझ रहे होंगे। और अभी हम लोग आ चुके हैं ओपन थिएटर, ये मेरे पीछे है ओपन एयर थिएटर। यहाँ पे बहुत सारे इवेंट होते रहते हैं, अभी संडे को भी एक इवेंट हुआ था, लास्ट संडे को एक इवेंट हुआ था कुछ सिंगर्स का। तो चलते हैं अभी वहाँ पे दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा अभी तो गेट बंद है तो ऊपर से चढ़ के थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। तो गाइस आप लोग ये काम मत करना, हमको भी नहीं करना चाहिए पर मन कर रहा था करने का। तो यही है ओपन एयर थिएटर, तो कुछ ऐसा दिखा दो आइए सुधर। ये अभी पूरा यहाँ पे, पहले तो ये लाइटिंग वाइटिंग का सेटअप नहीं था, बट अभी देख रहे हैं कि लाइटिंग का पूरा सेटअप लग रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है मे बी इन फ्यूचर शोज़ हो लाइट के साथ, ऑर्केस्ट्रा के साथ, तो इसलिए यहाँ पे लाइटिंग का पूरा सेटअप लग रहा है। स्टेज तो बना ही हुआ है यहाँ पे ओपन एयर थिएटर में, तो अब उस पर और वर्क हो रहा है, मे बी इन फ्यूचर और अच्छा हो जाए। संडे को बहुत सारा अच्छा वो भी हो रहा था, अपना टैलेंट शो कर सकते आके। लास्ट संडे को बहुत लोग यहाँ पे इवेंट भी हो रहा था, हम देखे थे स्टोरीज़ में बहुत सारे डिफरेंट पेजेस के भागलपुर के जो हैं उनके। तो अभी चलते हैं हम लोग कैफेटेरिया के पास। कैफेटेरिया तो गाइज अब हम लोग जा रहे हैं सीधा कैफेटेरिया वाले रास्ते पे, ओपन एयर थिएटर से आ चुके हैं। वॉशरूम जा सकते हैं, यहाँ वॉशरूम जाओगे तो वॉशरूम क्या है, बंद है वॉशरूम। देखिए इतना अच्छा बना है टॉयलेट ब्लॉक, लेकिन वॉशरूम को बंद रखा है यार, सीरियसली इतना अच्छा बेसिन लगा के रखा है तब भी यार, नहीं सही में यार वॉशरूम को खोलो भाई, पैसा ले रहे हो हर चीज़ का, अभी स्टार्ट कर दियो तो वॉशरूम को भी खोलो, जो भी कंसर्न अथॉरिटी है भाई प्लीज़ उसको खोलो यार। सैंडिस का कैफेटेरिया, अगर शाम में आ पाए वापस से तो एक और रात का शॉट लेके दिखा देंगे यहाँ पे, क्योंकि रात में बहुत खूबसूरत लगता है सुने जैसा। रात को लाइट बहुत सारी रहती है जिसको देख के आपका आँख चमक जाएगा और आप बेहद पागल हो जाएंगे उसके साथ फोटो खिंचाने के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत ही अच्छा सीन होता है। अरे वो उसके ऊपर भी लाइन लाइटिंग का किया गया है, ओ, पूरा पूरा वो लगाया गया, क्या बोलते हैं उसको, अरे RGB लाइट पूरा लगाया गया है ना। और वहाँ पे ट्रॉली ट्रेन ही ना बोलते हैं इसको, टॉय ट्रेन भी है भाई, रात चलेगा। तो ये है गाइस पूरा कैफेटेरिया वाला एरिया, आप लोग देख सकते हैं पूरा कैफेटेरिया का एरिया है। यहाँ पे फाउंटेन है जो कि अभी चालू नहीं है, आई गेस शाम के टाइम चालू होता होगा, क्योंकि अभी हम लोग 9 बज रहा होगा सुबह का उस टाइम पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। और वहाँ पे टॉय ट्रेन खड़ी हुई है, ये पूरा कैफेटेरिया का एरिया है, कैफेटेरिया चालू है कि नहीं पर अभी जाके कैफेटेरिया में पूछते हैं। और ये है टॉय ट्रेन जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है बच्चों के लिए, और इसका दाम भी लिखा हुआ है 80 रुपया पर हेड 3 ईयर्स एंड अबव टिकट इज़ कंपलसरी, मतलब 3 साल से जो छोटे हैं उसके लिए टिकट नहीं है, और हम लोग जैसे के लिए 80 रुपया लग जाएगा, जो कि कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग सैंडीज घूम लेंगे अच्छा है। तो गाइस अभी हम लोग बस यहाँ से निकल रहे हैं, और पीछे साइन बोर्ड भी लगा हुआ है तो हेल्प हो जाएगा, जो ऐसे खोने वाली जगह नहीं है, उतनी बड़ी भी नहीं है कुछ। यहाँ पे भी गाइस कुछ बन रहा है, और ये है हमारा स्टेशन क्लब, आई डोंट नो यहाँ क्या होगा। आयुष पता है तुमको यहाँ स्टेशन क्लब में क्या होने वाला है? अब हो सकता है, आई डोंट नो, यहाँ स्टेशन क्लब में कुछ होने वाला है। और यहीं पे हम लोग का किड्स प्ले एरिया है, तो ये सारा है किड्स प्ले एरिया जिसका 5 रुपये एंट्री फी है। कुत्ता है पीछे कुत्ता है, चढ़वा चढ़ा करके आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा हवा चल रहा है नेचुरल, मतलब सुबह भी एक्सरसाइज करने आओगे तो बहुत ही मजा। और ये है पूरा किड्स प्ले एरिया जिसका 5 रुपये एंट्री फी, अगर हम लोगों को एंट्री मिलता है तो अभी हम लोग जाते हैं। और ये स्टेशन क्लब हमको पता नहीं है सीरियसली क्या होगा यहाँ पे, बट बिल्डिंग आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है, बिल्डिंग देखने में अच्छी लगती है। हम लोग ये वाले साइड आ चुके हैं, यहाँ पे कुआं है सैंडिस का, कुआं आप क्या आप लोग आगे देख सकते हैं, ये कुआं आप एक्सप्लेन नहीं करने वाले उतना, क्या कुआं जो पहले से आ रहे हैं वो जान रहे हैं यहाँ पे कुआं है। और अभी अंदर म्यूज़िक बज रहा है तो कुछ हो रहा होगा आई गेस, ये कैफेटेरिया का पीछे वाला एरिया जो प्रॉपर बना नहीं है। और ये है यहाँ पे थोड़ा अच्छा जगह, आके वॉक करते टाइम आपको बहुत अच्छा लगने वाला है यहाँ पे। और ये एग्जिट है किड्स प्ले एरिया का और बच्चे लोग। तो गाइस हम लोग वापस से आ चुके वाले एरिया में, और देखिए बच्चे लोग खेल रहे हैं, अभी बहुत धूप है, अभी हम लोग अंदर जाने का सोच रहे थे बट अब जाएंगे नहीं क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे बहुत बच्चे लोग तो मस्ती में खेल रहे हैं।
और आप लोग आना हो तो अपने बच्चों के साथ आ सकते हैं, छोटे भाई बहन के साथ आ सकते हैं। ₹5 वैसे पर इंडिविजुअल टिकट है, और फैमिली के साथ आते हैं 2+2 तो ₹15 का टिकट है। और ये रहा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन स्टेशन क्लब ऑफ सैंडिस कंपाउंड। आई डोंट नो ये क्यों है, इसका क्या यूज़ है, क्योंकि अभी तक इसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन एंड ऑल नहीं है। आप लोग देख सकते हैं, मतलब वो रबर ट्यूब वाला होता है ना, रबर ट्यूब का इसमें पानी भर के बच्चों का भी पूल बना हुआ है। सही बात है, उधर पूल थोड़ा गहरा है, आई गेस उधर पूल 5-8 फीट या 6 फीट तक का होगा, और ये बच्चों के लिए, छोटे बच्चों का पूल है। पता करते हैं इधर भैया से, अंकल ये बच्चों का पूल कब खुलता है? 4 बजे। क्या इसका एंट्री फी? ₹50 बच्चे लोग का। अच्छा, तो गाइज ये बच्चे लोग का 4 बजे पूल खुल जाता है, और इसका एंट्री फी है ₹50। तो छोटे बच्चे जो है वो सस्ते में आगे स्विमिंग कर सकते हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं पहले जंगल वाली साइड, यहाँ पे आपको कुछ दिखाना है। अगर आप लोग छिपकली से डरते हैं तो आगे देखते रहिए, आपको और डराएंगे अभी हम। और गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं जिम वाले और टेनिस कोर्ट, और जिधर क्रिकेट स्टेडियम है वो वाले साइड में। तो यहाँ पे है हम लोग का टेनिस कोर्ट, आप लोग देख रहे हैं इधर पूरा टेनिस कोर्ट बना हुआ है सैंडिस का। ये लोग तो आप, ये सब तो हमेशा से था, तो आप लोग देखे ही होंगे टेनिस कोर्ट, और उधर क्रिकेट ग्राउंड। हाँ, लॉन टेनिस के लिए टेनिस कोर्ट थोड़ा और अच्छा कर दिया गया, हम पहले एक बार आए खेलने के लिए। और ये रहा क्रिकेट ग्राउंड, और यहाँ पे प्रैक्टिस हो रहा है, और ये साइन बोर्ड यहाँ पे भी है सैंडिस का पेड जिम, ये ग्रीन ग्रीन बिल्डिंग। और यहाँ पे डेली आंटी लोग सफाई करती हैं, यहाँ पे डेली सफाई का काम होता है, अच्छी बात है। सैंडिस को लोग इतना साफ करते हैं, इतना आंटी लोग मेहनत कर रही हैं, और उधर भी भैया लोग कर रहे थे। बट स्टिल एक बात बोलेंगे कि उस साइड का ओपन एयर थिएटर के साइड वाला तो वॉशरूम बंद था, बट इधर जो दूसरा टॉयलेट ब्लॉक था वो खुला हुआ था। और लिटरली मतलब वहाँ पे जो भैया थे जो साफ सुथरा कर रहे थे, वो बोले कि इतना गंदा हो रहा है, हम लोग भी देखे वॉशरूम को, लोग इतना गंदा कर देते यार। फ्री है लोगों के लिए और लोग इतना गंदा करके उसको जा रहे हैं, तो ये गलत है। आप लोग खुद से माल को ज़्यादा गंदा लोग, हाँ आप लोग खुद से सैंडिस के क्या बोलते हैं क्लीनिंग को आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। आप लोग अपने एरिया को अगर क्लीन रखेंगे तो ही किसी के यूज़ आएगा, वरना उसको लोग अबैंडन कर देंगे। रखा है कि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था वॉशरूम, बहुत गंदा कर रहे थे। मतलब बेसिन वेसिन वाला एरिया सब साफ था, जो मेन वॉशरूम एरिया था, जो टॉयलेट एरिया था, वो गंदा हो रहा था। तो प्लीज़ यार अगर कोई भी ऐसा करते हैं तो प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि अगर किसी को अर्जेंसी में नीड होगा तो वो कहाँ जाएगा, सबसे मेन बात यही है। और अभी हम लोग जा रहे हैं पार्किंग वाला एरिया है, पार्किंग वाला एरिया, और बाकी सारा ये सब एंट्रेंस बंद हो गया इधर के स्टेडियम का, बस एक ही मेन एंट्रेंस हो गया है। मेन एंट्रेंस भाई, क्योंकि इधर से हाँ बाकी सारा एंट्रेंस जो है ये सब बंद हो गया यार। वो जिम वाला इधर का भी एंट्रेंस जो था ये सब बंद हो गया, अब सिर्फ वो वाला एंट्रेंस बचा है। तो गाइस अरे उठा लो उसको, उठा लो, उठ जा भाई, उठ जा, उठ जा, मजाक में चिल्ला रहा है बच्चा। तो गाइस ये बच्चा लोग स्केटिंग कर रहा था, और ये बच्चा छोटा वाला उसको घींच दिया बेचारे को। चलो ऑल द बेस्ट, अच्छे से सीखना तुम लोग। हाँ भैया ब्लॉगिंग कर रहे हैं, चैनल ब्लॉगर इन द सिटी। तो गाइस ये बच्चा लोग स्केटिंग कर रहा था, और उसको दूसरा छोटा वाला शैतान बच्चा घींच दिया, वो बेचारा गिर गया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बस जंगल वाले साइड, और वहाँ पे थंबनेल निकालना है हम लोग को, वो वाला गेट बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे थंबनेल निकालना है। और आयुष आ गए, क्या बता रहे थे चैनल के बारे में? तो आ गए वहाँ पे, हम लोग चलते हैं थंबनेल निकालते हैं। बच्चे लोग बहुत एक्साइटेड है, आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप तो गाइस हम लोग आ चुके हैं सैंडिस के ये वाले गेट के सामने, और ये वाला गेट खुला हुआ अभी है, अभी ये गेट खुलने भी लगा है, तो इसीलिए बोले थे 5 एक्सेसिबल गेट है जो अभी चल रहा है फिलहाल, पहले बंद था फिलहाल अभी खुला है। तो गाइस ये रास्ता बहुत ज़्यादा सूदिंग और बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं ठंडा रास्ता है, और यहाँ पे इतने अच्छे फ्लावर आए हुए हैं पेड़ में, येलोइश फ्लावर्स सारे आए हुए हैं, और चलते हैं इस पेवमेंट पे वॉक करने के लिए। ये रास्ता हमको सैंडिस का बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, पहले तो ये रास्ता नहीं था, बट जब से बना है, जब भी हम वॉक करने आए इधर तो हमेशा आए हैं, और आगे बैठने का भी बहुत अच्छा बना हुआ है। और इधर की साइड पूरा जंगल वंगल वाला साइड है। बटरफ्लाई गार्डन जो कहते हैं उनको, और पीछे के साइड है अपना बैडमिंटन कोर्ट, यहाँ पे ठंडे के टाइम में बैडमिंटन होता है। ये पूरा एरिया में एक्चुअली बैडमिंटन ही होता है, और ये पूरा बटरफ्लाई गार्डन आप लोग यहाँ पर बटरफ्लाई व्यू पॉइंट कर सकते, देख सकते हैं, स्पेक्टेट कर सकते हैं। और अभी हम लोग इधर से चले जाएंगे सीधा जंगल वाले साइड। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं नेहरू मेमोरियल साइड वाले एरिया में, ऊपर जिसका पहले जिसको कहते थे टिल्ला, और अब इसका नाम है नेहरू मेमोरियल। और ऊपर जाने का हिम्मत नहीं हो रहा यार, बहुत चले तो ऊपर नहीं जाने वाले, ये आप लोग ऐसे इधर से देख लो। और
ये इधर है कुछ जो आप लोगों को दिखाना है। तो क्या दिखाना है वो बताते हैं। एक होती है मॉनिटर लिजर्ड, छिपकली छिपकली कर रहे थे, तो एक होती है मॉनिटर लिजर्ड जो आप लोग गूगल पे देख सकते हैं, और होगा तो हम फोटो लगा देंगे यहाँ पे। तो सैंडिस कंपाउंड में वो लिजर्ड है और हम अपनी आँख से देखे हैं। हम और मम्मी वॉक करने यहाँ पे आए थे तो देखे थे दो बड़ी बड़ी लिजर्ड और उसका छोटा छोटा बच्चा। मतलब कितना बताते, कितनी बड़ी थी वो मॉनिटर लिजर्ड, यहाँ पर से लेके यहाँ तक की, मतलब इतनी बड़ी लिजर्ड थी। और ये एरिया है जहाँ पे वो लिजर्ड रहती है, तो आपको दिखाते हैं अगर दिख जाए। डर क्यों रहे? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, डरो मत, कुछ नहीं होने वाला, डरो मत, बस साइड में देखते रहना, कैमोफ्लेज हो जाती है थोड़ा बहुत। इधर ही कर रहे हैं। हाँ इधर ही है मॉनिटर। हम और मम्मी आए थे लास्ट टाइम तो यहाँ जस्ट यहाँ पे खड़ी हुई थी लेटी, मतलब ऑब्वियसली लेटी हुई थी, खड़ी हुई इन द सेंस लेटी हुई थी। और जब हम लोग इधर आए, अचानक से दिखी थी हम लोग को और यहीं पे भाग के चली गई थी। इधर तो है नहीं, बट ए भाई थोड़ा पीछे रहे, प्रोवोक करने पे अटैक कर सकती है। गाइस हम लोगों को तो दिखी नहीं, बट यहीं पे थी और यहाँ पे उसके बच्चे सब थे छोटे छोटे, इस एरिया पे उसके बच्चे सब थे। अगर कभी किसी को दिखा पे मॉनिटर लिजर्ड तो कमेंट ज़रूर करना, हमको लग रहा है। वैसे हम अपना इंस्टा स्टोरी भी लगाए थे जब हम देखे थे मॉनिटर लिजर्ड को, उसका पूरा परिवार था, तब हम इंस्टा स्टोरी भी लगाए थे इस साइड के एरिया के लिए वार्निंग देने के लिए। हमको लग रहा होगा क्या कि बहुत सारे लोग ना उसको एक्सप्लोर करने आए होंगे, जिसके कारण वो थोड़ा दूर इलाके में। बट वहीं पे हम लोग देखे थे और यहाँ पे उसका बच्चा सब था, तो फिलहाल है नहीं। तो अगर फिर कभी किसी को दिखता है या कोई देखा है तो भाई प्लीज़ कमेंट करना ब्लॉग में। और हम लोग का ये सैंडिस का टूर अब एंड हो चुका है और आपको दिखा देते हैं, ये है नेहरू मेमोरियल और वहाँ पे जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो लोग आते हैं। और थैंक्स आयुष व्लॉग में कोलैब के लिए, तुम बोल रहे थे और मेरा भी काम हो गया। और तुमको कैसा लगा व्लॉग में आके, मज़ा आया? तो देखते हैं अगर नेक्स्ट व्लॉग में भी आयुष फ्री होता है तो उसको बुलाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, बहुत मेहनत लग रहा है। चैनल को गाइस देख लो भाई, दोपहर में कहाँ घूम रहे हैं। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना गाइस, और बहुत टाइम लगा यार हम लोग को ब्लॉग करने करते, बहुत लगता भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत लगा। आप लोग जैसे दो मिनट में देखते हो भाई, उसी को दो घंटे में बदलना बहुत। और गाइस पीछे हम लोग के बैडमिंटन कोर्ट, मतलब बैडमिंटन का जो पूरा आगे जो बना हुआ है कोर्ट वो है, और यहाँ पे पेड़ सिखाया भी जाता है, इवेंट भी होता है। तो बस यही था हम लोगों का सैंडिस कंपाउंड का सिंपल सा टूर। और एक्चुअली ये है सैंडिस कंपाउंड, बहुत सारे लोग सैंडिश सैंडीज ऐसे ऐसे बोलते हैं, बट ये एक्चुअल प्रोनंसिएशन जो है वो है सैंडिस कंपाउंड, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा प्रोनंसिएशन भी आप लोगों को बता दिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, वीडियो को लाइक शेयर कर देना और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, बहुत ज़्यादा शेयर करो भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया है। तो चलते हैं गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग,